यूपी के फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना के भगोनापुर गांव में कुछ दिन पहले पूर्व प्रधान के घर से राइफल, बंदूक और कुछ कारतूस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की। पुलिस ने मामले की जल्द खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की हैं। आज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस SP ने बताया कि चोरी पूर्व प्रधान के घर में हुई थी। पूरा परिवार कारपुर में रहता है। आरोपी ने बताया कि मौजूदा प्रधान शीर्षी वर्मा से कॉलोनी की मांग करने गया था, जहां प्रधान ने उसे जलील करके भगा दिया, जिसका बदला लेने और प्रधान की हत्या के लिए उसने बंदूक और कारतूस की चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं SP ने बताया कि वर्तमान प्रधान की हत्या करने के लिए बंदूक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको पुलिस ने पहले रोक बड़ी वारदात होने से बचा लिया। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई? देखिए, चांदपुर थाना क्षेत्र में एक 22 तारीख को चोरी हुई थी, जिसमें कि एक DDBL बंदूक और एक .22 की राइफल ये चोरी हुई थी, और करीब 25-26 के आसपास उन्होंने कारतूस बताए थे। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें 3 टीमें लगाई गई थी, और काफ़ी विश्लेषण के बाद, अथक मेहनत के बाद इसमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि गांव के ही जो पूर्व प्रधान है, जिनके घर पे चोरी हुई थी, इनके यहाँ पर पहले एक लड़का था जो कि इनके यहाँ पे काम करता था, और उसी के द्वारा ये चोरी की गई थी, और इसके द्वारा जो ये पूरा वेपन था और जो कारतूस थे, इनको एक कुएं में छुपा दिया गया था, और इसको पूरा का पूरा 100% इसमें रिकवरी की गई है। दोनों बंदूकें और जिंदा कारतूस करीब 26 और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो अभी वर्तमान प्रधान है इस गांव के, इनके घर पे गया था, वहां पर इसके द्वारा एक प्लॉट मांगा गया था, जिसमें प्रधान के द्वारा प्लॉट ना दिया गया, और उसके संबंध में इसने बताया कि मुझे अपमानित किया गया था, जिससे बड़ा मैं अपमानित महसूस कर रहा था, और मैं उसके साथ बड़ी घटना करना चाहता था। इसी उद्देश्य से जहां पर पूर्व प्रधान के घर पे ये पहले कार्य करता था, वहां से इसने ये वेपन चुराए थे।